पाक ने पीएम मोदी के इस्तेमाल किए गए भारतीय वायुसेना के विमान के रूट नेविगेशन शुल्क के रूप में भारत को 2.86 लाख रुपए का बिल भेजा है। इसकी जानकारी आरटीआई कानून के तहत दायर आवेदन के जवाब में दी गई है। ये शुल्क प्रधानमंत्री के विमान के लाहौर में ठहराव और रूस, अफगानिस्तान, ईरान और कतर यात्राओं के सिलसिले में भेजा गया है। कार्यकर्ता और अवकाश प्राप्त कमोडोर लोकेश बत्रा ने आरटीआई आवेदन दायर कर जानकारी मांगी थी। बता दें कि पिछले साल अगस्त से लेकर 30 जनवरी 2018 तक मिले आरटीआई जवाबों की प्रति पीटीआई भाषा को दी और इस तरह की एक यात्रा के दौरान 25 दिसंबर 2015 को मोदी पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के आग्रह पर कुछ समय के लिए लाहौर में रुके थे। ये पड़ाव तब हुआ जब मोदी रूस और अफगानिस्तान से लौट रहे थे। इसके लिए रूट नेविगेशन शुल्क के रूप में 1.49 लाख रुपए का बिल जारी किया गया। फ्रांस के जुरा में एक पर्यटक विमान के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से 3 लोगों की मौत हो गई है। विमान पेरिस उपनगर से अनिवास जा रहा था। मृतकों में एक दंपत्ति और 10 साल का एक बच्चा शामिल है और ये सभी फ्रांस के नागरिक थे। इस बारे में अभी जानकारी नहीं मिल पाई है कि विमान पायलट की गलती से दुर्घटनाग्रस्त हुआ या किसी तकनीकी खराबी के कारण। पाक के सेना प्रमुख जनरल कमर बाजवा ने दावा किया है कि उनके देश में आतंकवादियों का सुरक्षित पनाहगाह नहीं है और अफगानिस्तान में नाकामी के लिए अमेरिका को इस्लामाबाद पर दोष मढ़ना बंद करने को कहा है। जनरल बाजवा ने अमेरिकी नेतृत्व को इसके बजाय युद्धग्रस्त देश में अपनी नाकामियों के लिए कारण की पड़ताल करने को कहा है। डॉन के मुताबिक 3 दिवसीय म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में सेना प्रमुख ने अपने देश की सरजमीं पर आतंकी पनागाहों की मौजूदगी से साफ इनकार किया और सीमा पार से अनाधिकृत गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए कदम उठाने का आह्वान किया। इस सम्मेलन में सेना प्रमुखों और असैन्य नेताओं ने दुनिया में मौजूद सुरक्षा खतरों पर चर्चा की। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर और राजनेता इमरान खान ने लाहौर में बीते रविवार को तीसरी शादी कर ली है। इमरान और बुशरा मनिका की शादी की खबरें पहले भी मीडिया में आई थी लेकिन इमरान खान ने इन खबरों का खंडन कर दिया था। इसके बाद अब इमरान की तीसरी शादी की पुष्टि उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने की है। पार्टी ने बताया है कि विवाह समारोह बुशरा के घर ही हुआ। शादी में करीबी लोगों को ही बुलाया गया था। इमरान खान की पत्नी बुशरा मनिका एक आध्यात्मिक गुरु हैं। बुशरा पाकिस्तान के पंजाब के पाकपट्टन जिले के बुशरा बीबी के लिए प्रसिद्ध भी हैं और उन्होंने लाहौर के एचिसन कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त की है। उन्होंने इससे पहले ख्वार फरीद मनिका से शादी की थी जो इस्लामाबाद में सीनियर कस्टम ऑफिसर थे। बुशरा कुछ साल पहले ही ख्वार फरीद मनिका से अलग हो चुकी हैं। वो मूल रूप से दक्षिणी पंजाब से हैं। बुशरा के 5 बच्चे हैं जिनमें 2 बेटे और 3 बेटियां शामिल हैं। गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर का हालचाल जानने के लिए रविवार शाम मुंबई के लीलावती अस्पताल में पहुंचे पीएम मोदी और जहां पर पर्रिकर का अग्नाशय की बीमारी का इलाज चल रहा है। बता दें कि 15 फरवरी को मुंबई के इस अस्पताल में पर्रिकर को भर्ती करवाया गया था। वहीं अस्पताल प्रशासन ने रविवार को यह स्पष्ट कर दिया है कि सीएम का पर इलाज का असर हो रहा है। इससे पहले सरकार और बीजेपी की गोवा इकाई ने शनिवार को उन मीडिया रिपोर्ट्स को खारिज कर दिया है जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर की मुंबई अस्पताल में सर्जरी की संभावना जताई गई थी। बता दें कि पीएम के साथ पर्रिकर का हालचाल जानने के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी साथ पहुंचे थे। मराठा साम्राज्य की नींव रखने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज की 388वीं जयंती आज देश के कई हिस्सों में पूरे धूमधाम से मनाई जा रही है। हाल में शिवाजी की जयंती के अवसर पर चेतना रैली निकाली गई। कई जगहों पर शिवाजी महाराज की आकर्षक झांकियां भी निकाली गई तो वहीं इस मौके पर पीएम मोदी ने भी छत्रपति शिवाजी महाराज को याद किया।
बता दें कि पीएम ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो शेयर करते हुए शिवाजी महाराज को श्रद्धांजलि अर्पित की और साथ ही शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 में शिवनेरी दुर्ग में हुआ था और उन्होंने ही भारत में मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी। पीएनबी महाघोटाले के केंद्र में हो रहे मुंबई के ब्रेडी हाउस ब्रांच को सील कर दिया गया है। सीबीआई ने इस ब्रांच में लोगों के आने जाने पर रोक लगा दी है और ये वही ब्रांच है जहां पर 11,500 करोड़ का पूरा घोटाला हुआ। इससे पहले रविवार को सीबीआई ने पीएनबी की ब्रेडी रोड शाखा के समूचे परिसर को अपने नियंत्रण में ले लिया था। हिसार में अनशन पर बैठे इनसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला का धरना जारी है। छात्र संघ चुनाव को लेकर दिग्विजय चौटाला धरने पर बैठे हैं। सीएम के ओएसडी भूपेंद्र सिंह ने एक बयान जारी कर पत्र लिखा था जिसमें छात्र संघ चुनाव को सितंबर 2018 तक करवाने के लिए कहा गया है, लेकिन दिग्विजय चौटाला फिर भी नाखुश नजर आए। दिग्विजय चौटाला ने कहा है कि सीएम मनोहर लाल विश्वविद्यालय को पत्र लिखकर कंफर्म करें और उनकी 8 सूत्रीय मांगों को पूरा करें। भाजपा सरकार के मंत्री एक बार फिर से किसानों के साथ मंथन करने वाले हैं। हिसार में प्रदेश भर के टॉप 100 किसानों और कृषि वैज्ञानिकों के साथ कृषि मंत्री का मंथन होगा। मंत्री का कहना है कि किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए ये मंथन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों से ये जाना जाएगा कि कृषि यूनिवर्सिटी से क्या चाहिए जिसकी आमदनी दोगुनी हो जाए। मंत्री ने हुड्डा रथ यात्रा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जन क्रांति नहीं, हुड्डा की रथ यात्रा जन भ्रांति यात्रा है और कहा कि हुड्डा के पास कांग्रेस में कोई पद नहीं है, ना ही उनकी रथ यात्रा में उनके प्रदेश अध्यक्ष आ रहे हैं और कहा उनकी यात्रा बगावत यात्रा है। वहीं पानीपत के एसडीपीजी कॉलेज में एक देश एक चुनाव के मुद्दे को लेकर सेमिनार का आयोजन किया गया जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह डुमरखा ने शिरकत की और साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान विभिन्न बुद्धिजीवियों ने अपने विचार विमर्श किए। पूर्व जस्टिस आरसी वर्मा का कहना है कि व्यक्तिगत रूप से एक देश एक चुनाव के पक्ष में हूं, बशर्ते संविधान और कानूनों का पालन हो, व्यक्तिगत स्वार्थ या पार्टीगत स्वार्थ को लेकर इस तरह का प्रयोग ना हो। तो वहीं केंद्रीय इस्पात मंत्री का कहना है कि एक देश एक चुनाव पर चर्चा होना लाजमी है और विभिन्न स्तरों पर चर्चा किए जाने की आवश्यकता है। उधर पंचकुला से केचड़ी के ऐतिहासिक शिव मंदिर में लाखों की चोरी का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि चोर मूर्ति से मुकुट, गहने और नकदी चुरा कर फरार हो गए। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है और अब सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगालने में लगी है ताकि इस घटना के बारे में पता लगाया जा सके। वहीं पलवल में पुलिस हिरासत में बदमाश हरिया की मौत हो गई है। दरअसल हरिया के सीने में अचानक दर्द हुआ था जिसके बाद पुलिस हरिया को अस्पताल में लेकर गई जहां डॉक्टर्स ने हरिया को मृत घोषित कर दिया। बता दें कि हरिया के खिलाफ करीब 40 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। हरिया को पुलिस ने 13 फरवरी को दिल्ली के दुल्लूपुरा गांव के पास से हिरासत में लिया था। दिल्ली, हरियाणा, यूपी और राजस्थान में हरिया के खिलाफ मामले दर्ज हैं। फरीदाबाद के गांव भैंसरावली का रहने वाला था बदमाश हरिया और वहीं पोस्टमार्टम के बाद मौत के कारणों का खुलासा हो पाएगा। पंचकुला में एक बार फिर नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है और बताया जा रहा है कि आरोपी युवक ने नाबालिग के कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाया और कमरे में बंद कर वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता ने मामले की सूचना थाने में दी। वही पुलिस ने नाबालिग को चाइल्ड होम भिजवाया है और आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया है। आरोपी को एक दिन के रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर आगामी कार्रवाई में जुटी है।
रोहतक की तेज कॉलोनी में 3 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि कॉलोनी में छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे, उसी दौरान पड़ोसी युवक 3 साल की बच्ची को उठाकर ले गया और उसके साथ हैवानियत की। बाद में आरोपी बच्ची को गली में छोड़कर फरार हो गया। वहीं बच्ची को रोती देख बच्ची की मां ने मौके पर पहुंचकर देखा तो बच्ची की हालत खराब थी। उसे तुरंत सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां बच्ची की हालत को देखते हुए उसे पीजीआई रेफर कर दिया गया है। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जानकारी ली और आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। वहीं कैथल में 14 फरवरी को अज्ञात आरोपियों ने शराब ठेकेदार के कैश वैन चालक को गोली मारकर हत्या करने और करीब लाखों की नकदी लूटकर फरार होने का मामला सामने आया था। CIA2 पुलिस ने मामले की गुत्थी को सुलझाते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, तो वहीं एक आरोपी फरार है। पुलिस अधीक्षक आस्था मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सूचना का खुलासा किया और बताया जा रहा है कि पुलिस ने आरोपियों को विभिन्न धाराओं के तहत गिरफ्तार कर लिया है, तो वहीं आरोपियों के पास से 32 बोर अवैध पिस्तल और 315 बोर का अवैध देसी कट्टा बरामद किया गया। SP का कहना है कि पकड़े गए आरोपियों में से 2 आरोपी दिल्ली की तिहाड़ जेल में हत्या करने के मामले में बंद थे, जहां पर दोनों की जान पहचान हुई और दोस्ती कर वारदात की योजना बनाई गई, जिसके बाद आरोपियों ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई में जुटी है। पंचकुला के भैंसा टिब्बा गांव में युवक की पिटाई के बाद मौत का मामला सामने आया है। परिजनों ने डॉक्टरों पर मरीज की सही तरह से केयर न करने का आरोप लगाया है। परिजनों के मुताबिक राजवीर पिछले 2-3 महीनों से गांव में चाय की दुकान कर रहा था। बता दें कि युवक दुकान का किराया नहीं दे पा रहा था, जिसके चलते मालिक ने उसकी पिटाई कर दी। पिटाई के बाद परिजन उसको नागरिक अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पर डॉक्टर के सही ढंग से इलाज न करने के चलते उसकी मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों ने नागरिक अस्पताल में डॉक्टरों के खिलाफ जमकर हंगामा किया। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, तो वहीं जांच अधिकारी का कहना है कि सुसाइड की सूचना मिली थी, जिसके बाद हमने मौके पर पहुंचकर शव को मोर्चरी में रखवा दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। जीरकपुर शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक तेजाब से भरे टैंकर और टिप्पर की भीषण टक्कर हो जाने के से सड़क पर तेजाब फैलना शुरू हो गया। जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस ने पहुंचकर राजमार्ग के साइड के ट्रैफिक को रोककर उसे दूसरी ओर से निकालना शुरू कर दिया और यहां कोई बड़ा हादसा ना हो, इसलिए इसकी सूचना दमकल विभाग को भी दी गई और 2 दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची। पुलिस ने बताया कि टिप्पर चालक मौके से फरार हो गया है, जबकि टैंकर चालक को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। स्थिति को देखते हुए तेजाब पर पानी नहीं गिराया गया और तेजाब के रिसाव को रोकने का प्रयास जारी है। इस हादसे में किसी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं है। हिमाचल की राजनीति में अहम किरदार निभाने वाले पंडित सुखराम के परिवार की नई पीढ़ी अब बॉलीवुड में एंट्री मारने को तैयार है। पंडित सुखराम के पोते और कैबिनेट मंत्री अनिल शर्मा के बेटे आयुष शर्मा की पहली फिल्म लव रात्रि का पोस्टर रिलीज हो गया है। बॉलीवुड के दबंग सलमान खान प्रोडक्शन के बैनर तले बनने जा रही ये देश की पहली ऐसी डेब्यू फिल्म होगी जिसका बजट सबसे ज्यादा होगा। इस फिल्म में सलमान खान के जीजा आयुष शर्मा मुख्य भूमिका निभाएंगे, उनके साथ वरीना हुसैन अभिनेत्री के रूप में नजर आएंगी। ये एक लव स्टोरी होगी जिसकी शूटिंग गुजरात और लंदन में की जाएगी। इस फिल्म की शूटिंग 3 मार्च से शुरू होगी और 21 सितंबर को फिल्म रिलीज होगी। नाहन में जिला प्रशासन ने शहर के समीप झमेरिया में वन स्मृति केंद्र स्थापित किया है। यहां लोग अपने जन्मदिन पर या अपने पूर्वजों की याद में पौधे लगा सकते हैं, तो वहीं DC ललित जैन का कहना है कि पर्यावरण को बचाना बेहद आवश्यक है। स्थानीय लोग भी प्रशासन के इस कार्य की खूब तारीफ कर रहे हैं।
वहीं लोगों का कहना है कि प्रशासन की ओर से उठाया गया ये कदम पर्यावरण की दिशा में कारगर साबित होगा। तो वहीं पर्यावरण समिति नाहन अध्यक्ष सुरेश जोशी का कहना है कि हर साल बरसात के समय में इस वन स्मृति केंद्र में एक पखवाड़ा मनाया जाए ताकि उस समय यहां एक साथ पेड़ लगाने की भी सुनिश्चित हो। हिमाचल प्रदेश के नाहन निर्वाचन क्षेत्र के सुकेती फोसिल पार्क में सरकारी धन की कैसे बर्बादी हो रही है, इसका खुलासा फोसिल पार्क में हिमाचल टूरिज्म की ओर से सालों पहले बनाए गए कैफे की बिल्डिंग से हो रहा है। बताया जा रहा है कि करीब 5 साल पहले हिमाचल टूरिज्म ने सुकेती फोसिल पार्क में अपनी भूमि पर 2 मंजिला भवन के रूप में कैफे का निर्माण करवाया था। शायद टूरिज्म विभाग कैफे को तैयार करवाकर इसके दरवाजे खोलना भूल गया। बताया जा रहा है कि सालों से बिल्डिंग पर ताले लटके हैं और भवन के भीतर कबूतरों और पक्षियों ने डेरा जमा रखा है। तो वहीं सेवानिवृत्त कर्मचारी शिवचरण का कहना है कि इस बिल्डिंग को बनाने के बाद से कभी प्रयोग इसका नहीं किया गया है। तो वहीं स्थानीय निवासियों का कहना है कि बिल्डिंग पर केवल धन की बर्बादी की गई है और कहा कि इस बिल्डिंग का प्रयोग किया जाना चाहिए ताकि सुविधा यहाँ आने वाले पर्यटकों को मिल सके। सोलन आयुर्वेदिक राजपत्रित कर्मचारी महासंघ के चुनाव आयुर्वेदिक अस्पताल के सभागार में आयोजित किए गए। नई कार्यकारिणी के गठन सहित चुनाव प्रक्रिया चुनाव अधिकारी राकेश चौहान की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस मौके पर कर्मचारियों को आ रही समस्याओं को लेकर विस्तार से चर्चा की गई और उन्हें किस तरह से हल किया जा सकता है इस बारे में भी रणनीति बनाई गई। तो वहीं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह बरागटा का कहना है कि वो 2 बार प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और कहा कि अगर वो 1 बार फिर से अध्यक्ष बनते हैं तो कर्मचारियों को पेश आ रही समस्याओं को लेकर उनका महासंघ जल्द ही स्वास्थ्य मंत्री से मिलेगा और उन्हें हल करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। विनोद कुमार का कहना है कि जो विश्वास महासंघ के सदस्यों ने उनमें जताया है वो उस विश्वास पर खरा उतरने को का हर संभव प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि जो भी कर्मचारियों से जुड़ी मांगे हैं वो उन्हें शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाकर पूरा करने का हर संभव प्रयास करेंगे। उकलाना में हुआ 5 साल की बच्ची के साथ निर्भया गुड़िया कांड के आरोपी का गुजरात में नार्को टेस्ट होगा। गुड़िया कांड में एक SIT गठित की गई थी जिसके बाद एक नाबालिग आरोपी की गिरफ्तारी हुई थी। कोर्ट ने नाबालिग आरोपी के नार्को टेस्ट के लिए परमिशन दे दी है। बता दें कि आरोपी ने 5 साल की मासूम के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार की थी जिसके बाद मासूम का शव मिला था, जिसके बाद SIT की टीम ने आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी मासूम के पड़ोस में ही रहने वाला है और 9 दिसंबर 2017 को मासूम के साथ दरिंदगी की गई थी।